हेलो स्टूडेंट, आज का पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, जिसके लेखक विनय शर्मा जी हैं। यह एक यात्रा वर्णन पाठ है और इस पाठ में लेखक ने हमें गोवा के समुद्री किनारे, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि के बारे में जानकारी दी है। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को पर्यटन का महत्व बताना तथा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करना। अब हम गोवा राज्य की प्रमुख जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या करीबन 15 लाख है। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा कोंकणी है। गोवा में लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का शासन रहा, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी का 27% हिस्सा ईसाई धर्म का है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं, इसीलिए गोवा को समुद्री तटों की रानी भी कहा जाता है। इस राज्य का 34% हिस्सा वनों और हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ का प्रमुख उद्योग मत्स्य उद्योग है, जिसकी वजह से यहाँ सी फूड अधिकांश मात्रा में मिलता है। गोवा राज्य को 2 जिलों में बांटा गया है, उत्तरी गोवा तथा दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा में मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग अधिक रहते हैं। दक्षिणी गोवा यह पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। उत्तरी गोवा का प्रशासनीय मुख्यालय पणजी है तथा दक्षिणी गोवा का प्रशासनीय मुख्यालय मडगांव है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। गोवा राज्य की राजधानी है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय सैलानी रिवर क्रूज का आनंद लेते हैं। गोवा की पहचान उसके प्रसिद्ध समुद्री किनारे, ऐतिहासिक स्थल, वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक विरासत से होती है। मुख्य पर्यटन स्थल प्रसिद्ध समुद्री किनारे। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि गोवा में छोटे बड़े कुल मिलाकर 40 समुद्री किनारे हैं, जैसे बागा, कोलवा, हरमल, कलिंगवुड, अंजुना, बेनालियम। इस पाठ में लेखक ने कोलवा बीच के बारे में हमें बताया है। यहाँ सैलानी अधिक संख्या में आते हैं। यह बीच डॉल्फिन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अंजुना बीच, यह बीच नीले पानी वाला पथरीला समुद्री किनारा है, जिसके एक और लंबी सी पहाड़ी है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ पर कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में बेची जाती हैं, इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। कलिंगवुड बीच पर लेखक शाम के समय पहुँचे थे। इस बीच की खासियत यह है कि यह काफ़ी रेतीला है और यह गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, बोटिंग इत्यादि। ऐतिहासिक स्थल। वैसे तो गोवा में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं: अगुड़ा फोर्ट, सेंट कैथेड्रल चर्च, दुर्गा मंदिर, तिराकुल फोर्ट, शांत दुर्ग मंदिर, सेंट केजिटन चर्च, दूध सागर जलप्रपात, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। गोवा के प्रसिद्ध खेल। यहाँ के स्थानीय लोगों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की वजह से कई सैलानी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, नी बोर्डिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड। कला एवं संस्कृति। गोवा में कार्निवल त्यौहार सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, नए साल का जश्न, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि भले गोवा में पश्चिमी फैशन और सभ्यता है, किंतु यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक भी पूरी तरह से दिखाई देती है। तो आज हमें इस पाठ के माध्यम से गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। धन्यवाद।
कठिन शब्द पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। आकलन कृति, गोवा को आकर्षित करने वाले घटक। स्वमत अभिव्यक्ति, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाषा बिंदु, यहाँ पर हमें इस व्याकरण में संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को पहचान कर अलग लिखकर उसके प्रकार को लिखना है।